शांति से सुलझाने का सुनहरा मौका। जैसे हर साल नागपंचमी को करते हैं ना, सांपों को दूध पिला के। इंसान मूर्ख होते ही बात जानता था, तुझे दिक्कत समझ नहीं है। क्या ना अर्जुन कोई भी मक्खी मार के शिकारी नहीं बनता, ताकत और कमजोरी दोनों के बीच कभी शांति नहीं होती। इनमें है कुछ भी जिसके कॉलर के नीचे से मैं नूरी को अभी बैठने वाला इस दो बैठे राजवीर के बैठे से राजवीर थोड़ा सा लेफ्ट आज तेरे इस मजाक में मेरा बना था। अच्छा लेकिन अगर मजाक के साथ थोड़ी अकल भी इस्तेमाल कर लेते तो और भी अच्छा। इंसानों का खून लाया होता तो पी लिया। और क्या है बचपन में माने तो चढ़ाई हो बच्चों को शक्ति है दो वाले इसमें मजा आ गया। आज इस मजाक ने मेरा दिल बना। अच्छा लेकिन क्या नमक के साथ साथ तुझे अकल भी इस्तेमाल कर लेता तो और भी अच्छा। इंसानों का खून लाया होता लेकिन क्या ना मजाक के साथ साथ थोड़ी अकल भी इस्तेमाल कर लेते तो और भी अच्छा। इंसान माने तो चढ़ाई कि तू बच्चों को शक्ति देता है और क्या ना लड़ाई जीतने के बाद मैं सॉरी सर यहाँ से रोल बोलिंग सर एक्शन। और क्या ना बच्चों को माने तो चढ़ाई कि तू बच्चों को शक्ति देता है तो जब मैं लड़ाई जीत जाऊँ मॉर्निंग। अरे वो दूसरा कहाँ है? अरे आप लोग चौंक क्यों गए? सांप को ऐसे बुलाते नहीं है क्या? एक्चुअली इससे पहले मैंने कभी सांप पाले नहीं ना तो आप गलत बुक दे रहे हो बाबा उसमें बैठ गया था अभी कहीं पाली ले बस आप कर लेना एंट्री में जाना सर। हाँ हाँ ठीक है नितिन ये कट करो वो राजी रहेगा तभी रोल करना ही। ओके।
बुलाते क्या? वो एक्चुअली इससे पहले कभी सांप पाले नहीं, तो एक्सपीरियंस नहीं। ए! सबान संभाल कर बात करो, शायद तुम जानते नहीं कि तुम किससे बात कर रहे हो। आई लाइन से यहां से हां लूप अलग अलग है। रोल वो के बाद रोलिंग एंड एक्शन। ए! सबान संभाल कर बात करो, शायद तुम जानते नहीं कि तुम किससे बात कर रहे हो। खड़ा हो गया। अरे आप तो बुरा मालूम। चलिए कोई नहीं, रेस्ट कर, एक पास लाया, थर्माकोल नीचे रे बेटा, कहाँ नींद में है क्या? रखना एक रख रख तेरा ही काम है। ए! सबान संभाल कर बात करो, शायद तुम जानते नहीं कि तुम किससे बात कर रहे हो। खड़ा हुआ। अरे आप तो बुरा मान गए। चलिए कोई नहीं, ब्रेकफास्ट लाया, सबका मूड ठीक हो जाए। नीचे झुका वो दूध उसमें डाल रहा है। अरे ये कर क्या रहे हो तुम? मौका दे रहा हूँ, सब शांति से सुलझाने का मौका। तो जैसे हर साल नागपंचमी को दिन सांपों को दूध पिलाते हैं, इंसान मूर्ख होता है ये बात जानता था मैं, लेकिन आज तूने ये बात साबित नहीं करती। हाँ ये पूछा कर दो। हाँ ये बताओ हमारा छोड़ो इनके साथ। देखो कोई चिंता हो या चल रेडी बोले मौका दे रहा हूँ, सब शांति से सुलझाने का हो। वो जैसे नागपंचमी में सांपों को दूध पिला के करते हैं ना, काकी बोलता है तुम इंसानों की यही तो प्रॉब्लम, एक मक्खी का मालिक खुद को शिकारी समझते हैं, कमजोरी और ताकत के बीच कभी शांति नहीं हो सकती। अर्जुन बोलता है कौन ताकत है इन्हें या तुम, जिसकी आंखों के सामने से मैं नूरी को भगा के ले गया। अरे इसकी कॉलर भी नहीं है आपको, बैठ गए, अपसेट मत हो यार, चल एक चांस और दे। आपने मेरा क्यों दिया ही नहीं? ऋषि वो बोलती है यार। रोलिंग एंड एक्शन। कौन ताकत? तुम या जिसकी कॉलर के नीचे से मैं नूरी को भगा के ले गए? ओह आज तो इसका कॉलर भी नहीं। नो 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 कीप दिस माइंड। अपसेट मत हो यार, चल एक चांस और देता हूँ, छुड़ा ले जानू उसे, लेकिन अकेले आना, कोई सांप पुलिस कोई नहीं। एक घंटे में दक्षिण पहाड़ी के पीछे खंडर में आ जाऊँ, अगर तुम वहां से नूरी को ले जाने में कामयाब हो गए तो मैं खुद भी नहीं रोकूंगा। हो गई तुम्हारी बकवास, कर ली तुमने अपनी बात। राजवीर राजवीर इसकी बातों में मत आना, मुझे तो ये कोई इसकी बहुत हो गई तुम्हारी बकवास, तो कर ली तुमने अपनी बात। राजवीर इसकी बातों में मत आना, मुझे सब के पीछे इसकी कोई बहुत बड़ी चाल लग रही है। अरे क्या हो गया? ऐसा तो कुछ नहीं कहा, डर क्यों गए? राजवीर बोलता है बैठा हूं आपके सामने, मजाक अच्छा कर लेते हो, दूध लेके आए हो, इंसानों का खून लेके आते तो हम पी भी लेते। कोई बात नहीं, बचपन में माँ सिखाती है ना कि दूध पीने से ताकत बढ़ती है, इसलिए तुम दूध लेके आए। कोई बात नहीं, इसलिए सुबह सुबह हारने और जीतने का जोश आ गया ना, चलो हम जीत जाएंगे। अर्जुन बोलता है हार जीत अभी से क्यों डिसाइड कर रहे हो यार, चल खड़ी देखिए एक घंटा है ना। कोई बात और राजवीर ये दूध पी पी नहीं बोला तूने क्या उसको की नीचे से ऊपर ना बाय करेगा ना। आप आगे बढ़ी अरे आ गया, कैसा मेरा भाई? गुड मॉर्निंग यार। बैठा। अरे यार आप लोग तो चौंक गए यार, सांपों को ऐसे नहीं बुलाते क्या? सॉरी यार, एक्चुअली इससे पहले कभी मैंने सांप पाला नहीं ना, तो एक्सपीरियंस नहीं है।
सोचा कुत्ते बिल्लियों को बुलाते हैं वैसे ही बुलाते होंगे। ए लड़के, तू जानता नहीं किससे बात कर रहा है, अपनी जमान संभाल के बात कर। हो गया। ए अरे आप तो बुरा मान ली, चले कोई नहीं, मैं आप लोग के लिए ना ब्रेकफास्ट लाया हूँ, नीचे गया, ताज़ा ताज़ा दूध पी लो आप लोग। मोहिनी ने कहा क्या कर रहे हो तुम ये खड़ा हुआ। वो क्या है ना, मैंने स्ट्रॉ नहीं लाया है, तो चलेगा ना आप लोग के बैठा। और राजीव तू अपसेट मत हो यार, चल देखो मैं एक और चांस देता हूँ, छुड़ा ले जाके नूरी को, लेकिन अकेले आना, कोई अहरे गहरे साहब को या अहरे गहरी पुलिस को मत लाना। एक घंटे में दक्षिण पहाड़ी के पीछे के खंडर में आ जा, अगर तू वहाँ से नूरी को अकेला ले जाने में कामयाब हुआ तो मैं खुद भी तुझे नहीं रोकूंगा। मुनि ने कहा राजवीर तुम इसकी बातों में मत आओ, ये जरूर कोई इसकी चाल होगी, इसकी बातों में मत आना तुम। अर्जुन ने कहा अरे अरे आप लोग तो डर गए यार, मजा आ गया। सॉरी यहां से टेक दिस लाइन रोल कट। सीन में जैसा चल के आ रहा था, जैसा बताएंगे उसके बारे में? इस बार जो है मोहिनी और शंखचून हैं, जो शुरुआत से ही, शो के शुरुआत से ही वो चाहते हैं कि वो मनी को हासिल कर लें, और किसी भी तरह वो उस मनी को हासिल करना चाहते हैं। तो प्रयास जारी है, हमारा जो प्रयास है वो जारी है। हम जो अर्जुन शास्त्री है उसको पकड़ लेना चाहते हैं, लेकिन वो हमारी पहुंच से बहुत दूर चला जाता है हमेशा। सो इस बार भी हम यही प्रयास करें कि इस बार जो है हम अर्जुन शास्त्री को पकड़ लें, और वो भी हमारे साथ इस बार एक गेम प्लान के साथ आया है। तो हम यही सोच रहे हैं कि हम उसके गेम प्लान का जवाब अच्छे से देंगे। मतलब ये हर कोई एक दूसरे पे पासा दे रहा है। जी 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 जी, क्योंकि ये जो जीत जब होगी तो वो मणि हम उसको प्राप्त करेंगे, मणि हमें मिलने वाली है। तो दोनों ही हैं, जो जो अर्जुन है वो मणि को बचाना चाहता है, और जो गुरु वासुकी जी हैं, सॉरी दे कॉलिंग में आए थे, चल 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 ले। जो मतलब ऐसा कहा जाता है कि मणि के पीछे आप भी पड़े हैं, वो बचाने को पड़े हैं, तो जी, कौन किस पे भारी पड़ रहा है? देखिए हम लोग जो नागलोक से इसीलिए आए थे पृथ्वी लोक पर, क्योंकि मैं चाहती थी कि मणि हम हासिल कर लें जो अर्जुन के मस्तिष्क में है, उनके माथे पे है वो जड़ी हुई है। तो यही प्रयास हमारा है, जारी है कि हम कैसे उस मणि को प्राप्त कर लें। बहुत हमने गेम्स पहले भी खेली, बाद में भी खेली, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। तो इस बार जो है हम एक बड़े गेम प्लान के साथ आए हैं, और जो अभी आपने सीन देखा उसमें अर्जुन हमारे पास आया था हमें धमकी देने, लेकिन हम उसकी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। मतलब कहीं ना कहीं उसका अर्जुन का जवाब जरूर आप देंगे। बिल्कुल बिल्कुल देंगे, क्योंकि इसीलिए हम इतनी दूर से नागलोक से पृथ्वी लोक पर आए हैं। कहते हैं कि जो एक विलन का रोल करते हैं तो वो दिल के बड़े अच्छे होते हैं, तो क्या ऐसा क्या सही बात है ये? जी हाँ, मतलब मैं ऑलरेडी एक शो कर रही हूँ बालवीर सब टीवी के लिए, वहाँ पे रानी परी का रोल प्ले कर रही हूँ, तो मैं वैसी ही हूँ। लेकिन जब यहाँ आए तो एक कलाकार के लिए बहुत जरूरी होता है ब्लैक और व्हाइट, दोनों शेड्स उसके अंदर होने चाहिए। तो मुझे लगा बहुत ही चैलेंजिंग रोल है, इतनी अच्छी, वी ऑल आर लाइक फैमिली, बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, तो एक नया रंग जो है सबको सुदीपा का देखने को मिलेगा। मतलब कितना अलग लगता है कि मतलब नॉर्मल से ये विलन बनने में। देखिए विलन से ज़्यादा ग्रे शेड्स हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगता है मुझे, बिकॉज सुदीपा नॉर्मल लाइफ में भी जो है नॉर्मल एक स्वीट सी लड़की है, लेकिन यहाँ आकर आप एक दूसरा किरदार निभाते हैं तो कहीं ना कहीं आप खुद को भूल जाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं घर जाते तो इसी रोल में कभी कभी रहती, यार मैं तो ये थी। मैं सोचती हूँ जब मुझे कोई बहुत परेशान करेगा, मुझे बॉदर करेगा, तो वहाँ मैं मोहिनी का किरदार जरूर लेकर आऊंगी, तो बच के रहना वरना मैं दस लूंगी। आज फैंस के लिए क्या कहना चाहेंगे? जी मैं फैंस के लिए इतना ही कहना चाहूंगी कि आपने मुझे इस रूप में भी, मोहिनी के रूप में भी बहुत सराहा है, थैंक यू सो मच। आप इसी तरह से हमारे शो नागार्जुन को प्यार देते रहिए, हमें देखते रहिए, और हमारे शो को सुपरहिट बना दीजिए। लव यू।